नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेथी की एक खास रेसिपी जो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है और मेरी ये गारंटी है कि आपको भी बहुत बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे मेथी और सेम का साग। इसके लिए हमें चाहिए एक बंच मेथी और करीब 150 ग्राम सेम। पहले हम मेथी के पत्तों को अलग कर लेंगे। अब हम मेथी के पत्तों को पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। मेथी के पत्तों को कम से कम 3 से 4 बार पानी में अच्छी तरह धोएं। सेम को भी धोकर इसके टुकड़े कर लें। यहाँ पे मैंने मेथी और सेम को धोकर लिया है और साथ में ली है 2 हरी मिर्ची। मेथी को हम बारीक काट लेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है और गैस ऑन कर दिया है। अब मैंने इसमें तेल डाल लिया, करीब 2 बड़े चम्मच। तेल गर्म होने पर हम इसमें लंबी कटी हरी मिर्च डालेंगे और इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे। मिर्च ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। इसे हम चम्मच से मिला लेंगे और धीमी आंच पर ढक्कन ढककर पकने देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी मेथी पकना शुरू हो चुकी है। देखिए, डंडियों को दबाकर चेक करें। अभी ये हल्की ही पकी है, इसे थोड़ा और पकने दें। मेथी आधी पक चुकी है, अब हम इसमें सेम डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन से ढक दें। आइए अब चेक कर लेते हैं। सेम हमारी लगभग पक चुकी है। इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए अब खुली कढ़ाई में ही पकाएं। इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अब चम्मच चलाकर नमक अच्छे से मिला लें। दोस्तों, अब हमें इसे ढकना नहीं है, इसे खुली ही कढ़ाई में पकाना है, ध्यान रखें। क्योंकि सब्जी हमारी पक चुकी है, अब हमें इसे सिर्फ सेंकना है। दोस्तों, मेथी में काफ़ी कड़वाहट होती है, तो जब तक इसकी सिकाई अच्छे से नहीं होगी, उसका कड़वापन बाकी रहेगा। दोस्तों, हम इसमें कुछ भी मसाले नहीं डालेंगे, लेकिन मुझे हल्दी का टेस्ट बहुत पसंद है इस सब्जी में, इसलिए मैं ज़रा सा हल्दी इसमें डालूंगी। ये बिल्कुल ऐच्छिक है। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन चला जाए। देखिए, हमारी मेथी सीख चुकी है। इसे थोड़ा 2 मिनट और सेक लें। अब हमारी मेथी बिल्कुल रेडी है। देखिए इसमें कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। मेथी सेम का साग रेडी है।
इसे आप चावल के साथ परोसें। आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।